वेल दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। जाने कैसे माहिरा शर्मा बन गई हैं माहिरा छाबड़ा। सोशल मीडिया पर यूजर बोल रहे हैं कि आकांक्षा का अब क्या होगा। वेल, टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 13 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हर बार इसके कंटेस्टेंट की वजह से ये शो चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस बार ये शो बन गया है सोशल मीडिया की गलती की वजह से चर्चाओं का विषय। किसी से गलती हो गई और यूजर उन्हें ट्रोल ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। गलती हुई है कलर्स के ट्विटर हैंडल से। जैसे ही ये गलती हुई, लोगों ने शुरू कर दिया कलर्स को ट्रोल करना। हुआ कुछ यूं कि बीती रात कलर्स के एक ट्विटर हैंडल पर एक चूक हो गई है, जिसकी वजह से चैनल का ट्विटर हैंडल लोगों के निशाने पर आ गया। कलर्स के ट्विटर हैंडल ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने बिग बॉस के कंटेस्टेंट का सरनेम ही बदल दिया। दरअसल कलर्स के ट्विटर हैंडल से बीती रात ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा था, क्या पारस छाबड़ा ने माहिरा छाबड़ा के भाई को नल्ला पाव कहकर गलती कर दी। इस ट्वीट पर लोग जमकर मजे ले रहे हैं। लोग इस ट्वीट पर जवाब देकर पूछ रहे हैं कि क्या पारस और माहिरा की शादी हो गई है। एक यूजर ने लिखा है, जिसने भी ये ट्वीट किया है उसने कोई जरूर सस्ता नशा किया होगा। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि ट्विटर हैंडल के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए तालियां। आपको बता दें कि माहिरा और पारस बिग बॉस हाउस में अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। दोनों के प्यार में होने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन पारस की बिग बॉस हाउस के बाहर भी एक गर्लफ्रेंड है, आकांक्षा पुरी। वहीं बीते दिनों ही खबरें ऐसी भी आई थी कि पारस ने आकांक्षा को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने अपने और माहिरा के रिश्ते को खेल का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि वो माहिरा के साथ गेम खेल रहे हैं और सिर्फ एक ड्रामा है। वेल दोस्तों, क्या ड्रामा है और क्या खेल है और क्या रियलिटी है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।